गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सरसाइज 5C का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ आपको ब्लॉक्स गिवन है, ठीक है, कुछ शेडेड पार्ट है, कुछ अनशेडेड पार्ट है। तो आपको क्या करना है, इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना है। अब यहाँ पे देखो, आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल में क्या है, हाफ आपका शेडेड है, हाफ अनशेडेड है। तो फर्स्ट पार्ट का क्या बन जाएगा आपके पास, अगर आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो इस तरह से बनेगा आपका। ए पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका क्या बन जाएगा, 1/2, और जो सेकंड है उसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, हाउ मैनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल नंबर ऑफ पार्ट इज 6, हाउ मैनी शेडेड, 1, 2, 3, 3 आर शेडेड। आपको बताना ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या देखेंगे, अगर इसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी 1/2 आ जाती है तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आप देखो ये 3/6 है, किसी कॉमन नंबर के साथ आप इसको कट कर सकते हो, यस 3 1 3, 3 2 6, इट मीन्स ये भी क्या हो गया आपका 1/2। अब देखो ये भी 1/2 था और ये भी 1/2, इट मीन्स बोथ फ्रैक्शन आर 1/2 एंड 3/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो इस तरह से बताना आपको ये आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगी या नहीं। तो हर एक ब्लॉक को आपको ऐसे ही देखना है, ठीक है। लाइक यहाँ पे है 1 शेडेड, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1/4, 1/4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं, 8, शेडेड कितने हैं, 2, तो 2/8, ये 1/4 है, ये 2/8, 2/8 अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हो तो ये भी 1/4, ये भी क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। अगर फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, मैं प्रेजेंट रहूँगी फुल डे आपके साथ। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है तो उसी टाइम मुझे बताइए, साथ साथ हम सोल्व करेंगे और मैं आपको बता दूँगी कोई भी पार्ट अगर आपको पूछना है तो, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच गिवन फ्रैक्शन। 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है जो भी आपको फ्रैक्शन गिवन है उसकी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। लाइक आपको 5/20 गिवन है, क्या गिवन है, 5/20, और आपको 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है। तो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बन जाएंगी, सेम नंबर के साथ, मीन्स यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाए, 5 2 10 एंड 40, 5/20 आपके पास है, अगेन सेम नंबर के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15 एंड 3 0 0 0, 3 2 6, इट मीन्स क्या आ जाएंगे, नेक्स्ट जो 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी वो 10/40 एंड 15/60 होगी। तो इसी तरह से आपको हर कोई भी फ्रैक्शन गिवन होगी, हर एक फ्रैक्शन को पहले 2/2 से मल्टीप्लाई करना है, देन 3/3 से। अगर आपसे इसमें तो ओनली 2 पूछा है, अगर आपसे पूछ लिया जाता 5 तो आप ऐसे ही करते जाते, 4/4 से मल्टीप्लाई करते, 5/5 से मल्टीप्लाई करते रहते, मतलब जितनी नंबर ऑफ आपसे पूछा जाता है उतनी नंबर ऑफ टर्म तक आप चले जाइए, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 इधर ही है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे मिसिंग पार्ट पूछा है। मिसिंग पार्ट में क्या हो जाएगा, आपको गिवन है 2/7, 2/7 इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी नंबर मान लो, लेट आपने एक्स कर लिया, ठीक है, अपॉन 35, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे जो बॉक्स बना मैंने इसको एक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो अब आपको बतानी है वैल्यू। वैल्यू बताएंगे तो किस तरह से हो जाएगा बेटे, 2 तरीके, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, इजीली हो जाएगा, ठीक है, आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 × 35 इजिकल टू 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई 7x, एक्स की वैल्यू निकालूंगी तो 2 × 35 अपॉन ये जो 7 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है, 7 1 7 7 5 35, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 2 10। इस तरह से आपको मिसिंग पार्ट फाइंड आउट करना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन है जो कि मैंने बताए हैं।
तो पहले आप फर्स्ट थ्री को कीजिए, नेक्स्ट थ्री को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।